रोहित पीडिया के पहले एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक गेम है जिसका नाम है एसेसिन क्रीड शैडो। अभी तक आपने इसका ट्रेलर देख लिया होगा और इसका गेम प्ले भी आ चुका है, और ये गेम आ रहा है यूबीसॉफ्ट की तरफ से, और इस गेम का इनिशियल रिलीज 12 नवंबर 2024 है। इस गेम में दो नायक है जिनका नाम है यासुके और नावे, और भाई लोग दोनों एक से बढ़ के एक है। जो यासुके भाई वो बहुत ही हेवी वेट बलवान है और हर जगह वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और जो नावे है मतलब कि जो फीमेल कैरेक्टर है वो बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है, और वो एसेसियन क्रीड के जो पहले के गेम के कैरेक्टर है वो उनको फॉलो कर रही है, मतलब कि लुक छुप के आना और तबाही मचा के जाना। और इसके ट्रेलर को देख के मुझे घोस्ट ऑफ सुशीमा का याद आ गया है। डेफिनेटली आप लोग को भी याद आ ही गया होगा, और आप सोच रहे होंगे कि भाई लोग ये रोहित पीडिया क्या है। रोहित पीडिया में हम लोग डिस्कस करेंगे गेम बहुत सारे टॉपिक पे, और मैं और आप डिस्कस करेंगे, मतलब कि मैं वीडियो के थ्रू आपसे बात करूंगा और आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात करना, और डेफिनेटली मैं आप लोगों का कमेंट को देखूंगा और अगले वीडियो में उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि मैंने क्या क्या नोटिस किया। सबसे पहले जो यासुके भाई वो खतरनाक समुराई है और बहुत ही ब्रूटल है, और उनका जो वीपन है बहुत हेवी वेट टाइप का दिख रहा है, क्योंकि जिस पे वो लग रहा है ना वो दुनिया से शहीद हो जा रहा है ऐसा लग रहा है। और जो नावे कैरेक्टर है वो निंजा टाइप की है, मतलब कि निंजा की तरह वो धमाका मचा रही है। तो सबसे पहले मुझे क्या अच्छा लगा कि जैसे यासुके विलेज में एंट्री करते हैं लोग उन्हें देखते हैं, मतलब कि जनरली गांव में भी होता है कि जब भी कोई अनजान शख्स आता है तो डेफिनेटली लोग उन्हें देखते ही है, तो ये डिटेलिंग पे वो लोगों ने काम अच्छा किया है। इसमें फाइटिंग को बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव किया गया है, और बहुत सारे मूव्स नए नए मुझे दिखे हैं, और जो यासुके डिस्ट्रक्शन कर रहा है वहाँ पे हमें फिजिक्स प्रॉपरली दिख रहा है, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट स्प्रेड हो रहे हैं टूटने के बाद वो पूरी तरह से निखर रहे हैं। भाई डेवलपर लोग बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। इसके बाद सबसे बेस्ट सीन लगा जब यासुके ने मुंडी को उड़ाया, भाई क्या मस्त सीन है भाई, मजा आ गया। उसके बाद का सबसे अच्छा चीज लगा कि आप कैरेक्टर को स्विच कर सकते हो, मतलब कि आप चाहो तो यासुके बन सकते हो या नावे बन सकते हो, और जो यासुके है वो कॉम्बैट है और जो नावे है वो स्टील्थ है। इसके बाद मुझे एक नया मैकेनिक्स दिखा, जब नावे पानी के अंदर स्विम कर रही तो वो पाइप के थ्रू ब्रीथ कर रही है। इसमें मुझे नावे का जो ग्रिपिंग हुक है वो भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो स्विंग करते हुए डायरेक्टली जाके एनिमी के ऊपर गिर रहे हैं। इसके बाद नावे एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लाइट को स्विच ऑफ कर रही है, ये भी मुझे बहुत ही पसंद आया। क्या आपने नोटिस किया था ये चीज़? डेफिनेटली आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा। इसके बाद क्या होता है कि नावे जो एनिमी को ग्रैब करते हैं उसके बाद उनके साथ मूव कर रही है। जनरली क्या होता है कि एनिमी को पीछे से पकड़ता है और वहीं पर लोग उसको किल कर देता है, लेकिन इसमें मस्त ग्रैब कर रहा है लोग। इसके बाद सबसे बेस्ट सीन लगा जब नावे कर्टेन के पीछे एनिमी को मर्डर कर रही है, मतलब कि मस्त ग्रैब मार रही है, भाई मजा आ गया देख के। भाई कहां से आप लोग सोचते हो भाई ऐसा चीजें। इसके बाद डेवलपर लोगों ने बहुत ही बारीकी से काम किया है, क्योंकि नावे जो तलवार को स्विंग कर रही है भाई क्या बात है। इसमें और भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज थे, जैसे यासुके टेपो को यूज़ करके एक्सप्लोसिव जार फोड़ रहे हैं, और जब यासुके और नोए आपस में बात करते रहते हैं और एक रेजिडेंट पीछे से फास्ट जाता है, वहाँ पे नावे इसको नोटिस करती है, भाई निंजा है वो डेफिनेटली नोटिस करेगी। मुझे तो बहुत ही मजा आया इसका ट्रेलर और गेम प्ले देख के, लेकिन हाँ थोड़ा सा एनिमेशन पे इन्हें वर्क करना पड़ेगा, बाकी तो बढ़िया है। आई होप ये लोग मैप को बड़ा करें। और इसमें ईगल आई का भी विजन दिखा है जब नावे एनिमी को देखती है, मतलब कि तबाही आ रहा है। तो ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस गेम के ट्रेलर और गेम प्ले को देख के। हो सकता है मैंने बहुत सारे चीज़ नोटिस नहीं किया है, तो आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ आपको क्या अच्छा नहीं लगा इसके ट्रेलर और गेम प्ले से आप डेफिनेटली कमेंट में बताइए, और हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि रोहित पीडिया का ये जस्ट बिगेनिंग है। आई होप आप लोग को ये सेक्शन पसंद आए, प्लीज़ कमेंट में आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।